तुम्हारी बेटी साढ़े सात वो लगा रही फांसी, इतने तो हम आए थे, इतने तो मार दिया था उन लोगों ने, पैसे खिला दिए, पुलिस वाले भी बैठे थे और पीयर वालों को तो जाने ही नहीं दिया हमने, और पीछे कुछ मारा है, भारी चीज मारी है जो पीछे कुमड़ा हो रखा है। अगर बेटी पैदा हो गई कि हम बेटियों को कहाँ लेके जाएंगे, हम पे लड़का नहीं है तो क्या करें? हाँ, कान फाड़ दिया जिठानी ने, पूरा कान फाड़ दिया, चक्कू लेकर पड़ी माँ के पीछे। ज्यादा का टॉर्चर इस बात से भी होता था, एक तो बेटों की वजह से होता था और दूसरा ये जिठानी और भाभी का चक्कर था, लड़की ने इन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया था। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। मैं मौजूद हूं मंगोलपुरी में। आज मैं बताऊंगी घरेलू हिंसाओं में महिलाओं का दर्द दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। घरेलू हिंसा एक 2005 में बना जिसमें महिलाओं की सुरक्षा के उनके संरक्षण की बात कही गई थी, उनके लिए एक सख्त कानून बना जिसमें घरेलू हिंसाओं में महिलाओं को अक्सर खास तौर पर लड़का ना पैदा होने पर दोषी ठहराया जाता था, सारा दोष महिलाओं पर ही मर दिया जाता था। आज का जमाना बदल चुका है, बेटी कंधे से कंधा मिलाकर चलती है, इसके बाद भी समाज की सोच नहीं बदली और आज एक बेटी बलि चढ़ी है। बताया जा रहा है कि सुसाइड किया है या फिर ससुराल पक्ष ने उसे मारा है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। आपकी बहन का नाम क्या है? प्रीति है। कितनी उम्र? 25 साल की, 25-26 साल की है। कितना टाइम हुआ शादी को? 4 साल हुए शादी को। क्या खबर मिली थी कल? हमें खबर मिली थी इन दोनों मियां बीवी में लड़ाई हो रही है। फिर हमने फोन करा, मैं बेटा क्या हो गया, कही दीदी लड़ रहे हैं। हमने कहा चल हम आ रहे हैं। फिर कह रहे हमें गाली बकी जा रही थी माँ बहन की, गाली बक रहे थे। फिर हमने करा स्विच ऑफ कर दिया उन्होंने फोन, और फिर बाद में फोन करते तुम्हारी बेटी साढ़े सात वो लगा रही फांसी, इतने तो हम आए थे, इतने तो मार दिया था उन लोगों ने, पैसे खिला दिए, पुलिस वाले भी बैठे थे और पीयर वालों को तो जाने ही नहीं दिया बिल्कुल भी, उन्हीं का ही था खानदान और जिठानी जेठ को ऊपर से भगा दिया गया है। आपसे मुलाकात हुई नहीं हुई? नहीं हुई है हमारी मुलाकात नहीं। प्रीति, प्रीति के हस्बैंड का नाम क्या है? अरुण। क्या क्या करते हैं वो? ये पता होगा, हमें नहीं पता काम क्या करते हैं, इनको पता है। ढंग से नहीं रखता था लड़की, और लड़के के ऊपर ज्यादा करता था कि लड़का पैदा नहीं करा, एक लड़की पैदा कर दी तब से कलेश थी, अब दूसरी हुई तो और ज्यादा करा, पूरा जापा मेरे मायके वालों ने करा है। और अब भी ये बात थी, बस एक ही कॉल करी है कि मम्मी मुझे आके लेके जा, फोन कर रहे और रास्ते में आते आते कह दी, आए हैं बस आने की देर भी नहीं, रास्ते में ही फोन कर दिया कि तुम्हारी लड़की ने फांसी लगा ली। कितना टाइम हुआ आपको कॉल के और आपको यहाँ पहुँचने में? हमें 7:15 बजे फोन करा इन लोगों ने, बस लड़की बोल पाई है मम्मी, इतने में तो इन्होंने फोन छीन के काट दिया है। उसके बाद हम निकले, 10 मिनट नहीं हुई होगी हमें यहाँ तक आए हुए, ऐसे लोग तक ठीक है, इतने फोन आ गए, तुम्हारी लड़की ने फांसी लगा ली, और पूरी लड़की को मार पीट कर रखा है, अंगूठे वगैरह मुंह पे छपी हुई है हमने, और पीछे कुछ मारा है, भारी चीज मारी है जो पीछे कुमड़ा हो रखा है, पीछे सूजा पड़ा उसका सर। हमें इंसाफ चाहिए। अगर बेटी पैदा हो गई कि हम बेटियों को कहाँ लेके जाएंगे, हम पे लड़का नहीं है तो क्या करें? ये तुम्हारे हाथ में है ना, हमारे हाथ में नहीं है। बेटी आज पैदा नहीं हो रही, बेटियों की कोई मायने नहीं है, कल को ब्याह शादी ना करें, ब्याह शादी नहीं करते, जमाना जीने नहीं देता, इतने राक्षस पैदा हो रखे हैं यहाँ पे, कहते हैं लड़का लड़का, क्या हुआ लड़का हो गया? ये भी तो लड़का ही था ना एक, इसने भी तो किसी की बेटी के साथ करा, इसने इसको समझनी चाहिए थी, नहीं चाहिए थी ये बातें। पूरा घर जेठ जिठानी ऊपर से भगे हैं, नंद कह रही है कि नीचे से ऊपर गई है बाथरूम करने, फिर कह रही है नंद कि वो ऊपर ही थी, अगर वो ऊपर नीचे से गई है तो तुम जहाँ चले जाते। पहले भी ऐसी घटना के बारे में पता चला था? हाँ, कान फाड़ दिया जिठानी ने, पूरा कान फाड़ दिया, चक्कू लेकर पड़ी वहाँ के पीछे, फिर भी वहाँ के आदमी ने वहाँ को ही मारो, हमारी बेटी को ही मारो, अपनी भाभी को ना देखा का, मेरी बीवी को कान फाड़ दिया, वहाँ को देखो कान के साथ बाकी जिठानी ने, हमारी छोरी की जिठानी ने, जिठानी का चक्कर, जिठानी ने प्रीति का कान फाड़ा। हाँ, उसके आदमी ने मारा और देवर भाभी का चक्कर है। ज्यादा का टॉर्चर इस बात से भी होता था, एक तो बेटों की वजह से होता था और ये जिठानी और भाभी का चक्कर था, लड़की ने इन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया था। अब की बात है ये कम से कम नहीं होगा, ये दूसरी लड़की हुई है ना इसकी, उससे 2-3 महीने पहले की बात है। हाँ, क्या बताया था प्रीति ने? यही कहा था कि दोनों जने बात करते हैं, अगर कोई बात मेरे को देख के चुप हो जाते हैं और उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, उल्टी सीधी मजाक करते हैं, और जब लड़की हो गई है उसके बाद से ज्यादा टॉर्चर कर रहे हैं ये। क्या आंटी आप तो आपने पहले प्रीति को नहीं समझाया कि यहीं पर आके रह लो या कब तक मतलब सहते रहोगे? नहीं हुआ था, एक बार में आई थी इनकी लड़ाई हुई थी,
तो ये ना प्रीति का घरवाला ये बोला, अरुण कहे का अभी तू मेरी माँ के माफी मांग और हाथ जोड़ कर वाकू थप्पड़ी थप्पड़ बजावा के माफी मांग, अभी से माफी मांग। तो मैंने इसको एक दो बात कही ना, इतना मत करा, ये भी बेटी हमारी कुछ ज्यादा तो है ना, दसवीं से एक ये है, माने नहीं है माँ, भुन्नी भुन्न भुन्नी भुन्न मचाती है। हाँ हमारे तो 10-20 रखी है कोई, और हमारे समाज की एक कुरूति है कि बेटी को ससुराल में ही रहना है। यही सिखाया है कि लड़ो भिड़ो बेटा यहीं रहना है, बस यही चीज दिखा दी और आदमी समझते नहीं है। बस जी बेटी पैदा क्यों करी, बेटा पैदा करो, बेटा पैदा तुम करो, अब पता चलेगी। हमें तो इंसाफ चाहिए हमारी लड़की का। प्रीति के देवर है आप, क्या मामला हुआ था? जी सुनने, मैं सो रहा था जब मैं कहीं से आया था बाहर से काम से, सच ये बताऊंगा। उससे बात भी नहीं बन पा रही, नहीं क्योंकि उसे पता मैं झूठ बोल रहा हूँ। नहीं झूठ नहीं बोल रहा, मैं कहीं गया था 2:30-3 बजे आया था, ये दोनों बच्चे सो रहे थे, भाई ऊपर थे, ये आया भतीजा गिरी की चाचा की लड़ाई हो रही है और जिसने ये बताया, तब बाहर आ गया था। फिर मम्मी जा रही थी, मम्मी जा नहीं पाई, फिर भाई ने बोल दिया जा नीचे जाओ, ऐसी हमारे में हंसी मजाक में ऐसी तू तू मैं हो गई। तो फिर ये आ गए थे, फिर इन लोगों की क्या लड़ाई हुई है क्या नहीं, फिर भाई 5-6 बजे आए नीचे बाथरूम लेटरिन के लिए, ऊपर बैठा नहीं जाता, नीचे आए उतनी देर में पापी ने फांसी लगा ली। अच्छा ये बता रहे हैं कि लड़का नहीं हुआ लड़की हुई इस तरीके की? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बचा भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है लड़की के लिए। आपको पता है लड़का होना लड़की होना लड़के पे डिपेंड, इस चीज में कोई भेदभाव नहीं करा हमारे घर में, किसी ने भी नहीं किया, इस चीज में किसी ने भेदभाव नहीं किया। भाई कहाँ है इस समय? आप भाई तो वही जेल थाने में है। अच्छा ये भी बता रहे हैं कि पहले भी प्रीति का कान फाड़ दिया था जेठानी ने? मैं दोनों में ऐसे लड़ाई हो गई थी दोनों। क्या क्या हुआ था? पिताजी एक्सपायर हुए थे। जिठानी का राइट बनता था क्या उनके ऊपर हाथ उठाने का? नहीं जिठानी दोनों में हुई थी बहुत हाथापाई, क्योंकि हम लोग सब नीचे ही थे, मैं तो ऊपर नीचे ज्यादा करता नहीं क्योंकि मैं पैरों से विकलांग हूँ। अच्छा, तो जिठानी कहाँ है समय? उनका ऑपरेशन हुआ है, वो शायद अपनी बहन वहन के घर है, पता नहीं कि अपने ससुराल में। कल थी यहाँ पर वो अभी की नहीं हो गए? नहीं डर नहीं रहा मैं, वो जब से ऑपरेशन हुआ अपनी बहन के साथ चली गई थी। कल थी यहाँ पर? कल थी, कल मुझे मालूम नहीं, मेरे मैंने देखा नहीं है। आंटी कल आपकी बड़ी बहू घर पे थी? अरे घर में कहाँ थी, भारे से बाहर चली गई, आँख में दर्द हो रहा था उसके, तो वो चली गई। कब से नहीं है वो आपकी बड़ी बहू यहाँ पर? 2-3 दिन हो गए। आप सच बता रहे हैं आंटी? आँख का ऑपरेशन हुआ है। चलिए किसका आँख का ऑपरेशन हुआ? जिठानी का? हाँ। तो कल घर पे नहीं थी वो? घर पे नहीं थे वो? घर पे नहीं थी, नीचे यहाँ नहीं आते। अच्छा जब आप आए हो या आपके आने से पहले खबर हो गई थी आपको? नहीं मेरे को खबर नहीं हुई थी, मैं तो यहाँ आई थी जब मेरे को पता चला। हाँ अक्सर ऐसी जब लड़ाइयाँ होती थी आप अपने भाई को रोकते नहीं थे? मेरे सामने मैं बता तो रही हूँ, मैं तो काम पे जाती हूँ, मैं दिन में घर पे नहीं रहती थी और शाम को घर पे आने के बाद भी तो आपको पता को अपने भाई को ही समझाते थे कि लड़ाई वड़ाई मत करा कर, दोनों को ही समझाते थे हम। अब एक इस तरीके का गलत कदम से पूरा परिवार बर्बाद हो गया आपका? वो तो है मैडम, पूरा घर बर्बाद हो गया जरा से गुस्से में। अच्छा ये लड़की लड़के में भेद होता था? नहीं मैम, क्योंकि आप एक खुद लड़की? नहीं हम तो जान से ज्यादा चाहते हैं दोनों लड़कियों को, जान से ज्यादा चाहते हैं दोनों को। अभी भी देख लो बच्ची सुबह से रात भर यही रही है, यही रही है, ये रात को आई है 2:30-3 बजे करीब आई, हाँ सोई नहीं है जब से मैं ही इसको संभाल रही हूँ। मम्मी की आप देख ही रहे हो मम्मी की कैसी हालत है, और मेरा भाई पैरों से बेकार है, वो ऊपर नीचे नहीं कर सकता। आप क्या खड़े होके देख लो, खड़े होके देख सकते हो आप, मैं ही देख रही हूँ इसको। कितना पढ़े लिखे आप? मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, ऐसी तीसरी चौथी। आपको पता है समाज में हमारे जो लड़का होना या लड़की होना सिर्फ आदमी पे ही डिपेंड करता है, ना कि औरत पर। मेरे समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहे हो। मैं कह रही हूँ लड़का होना लड़की होना लड़की के हाथ में नहीं होता, लड़के के हाथ में होता है, आपको पता है ये बात? हाँ मैम, लड़की अब लिए फिर भी लड़की को दोष देते है ना? लड़की को हाँ मैम देते क्यों नहीं है, दोष लड़कियों को ही दिया जाता है।
अच्छा दहेज के लिए भी कभी? मैम दहेज की तो कोई बात ही नहीं है, कोई बात नहीं है। ये बताओ मैम, अच्छा, आपकी बड़ी भाभी और छोटे भाई का चक्कर था? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था, वो तो आपस में बोलते तक नहीं थे, ऐसा कुछ नहीं था, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। जब लड़ाई हुई थी प्रीति नीचे थी बाथरूम करने गई है, फिर उसके बाद दो मिनट बाद बोला इन्होंने कि क्या नाम है वो ऊपर थी। अगर मान लो वो नीचे से गई भी है तो तुम्हारा फर्ज ही नहीं बनता कि दोनों में लड़ाई हुई, गुस्सा गर्मी में बच्चा कुछ भी कदम उठा सकता है, तुम उसके पीछे जा सकते थे पर नहीं गए। और ऊपर क्या नाम है कह रहे पहले के पहले नीचे से गई ऊपर बाथरूम करने, फिर कह रहे ये ऊपर ही थी प्रीति, इन्होंने ये बोला है, इन्होंने खुद बोला है मुझे वो ऊपर ही थी, मैंने कुछ नहीं बोला मैम, मेरी और इनकी कोई बात ही नहीं हुई है। कल सबसे पहले बात हुई है मेरी 8:30 कोई बात नहीं हुई है मेरी, ये ऊपर ही थी। अच्छा आपके पास रिकॉर्डिंग है क्या वो जो जिसमें प्रीति ने बताया कि मुझे मार? नहीं नहीं ये रिकॉर्डिंग नहीं है, हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं ना कि कभी हम किसी से बात करें तो रिकॉर्डिंग लगा दे। आप ये बताओ ना कोई भी माँ बाप होगा अपनी बेटी की रिकॉर्डिंग नहीं रखता ना, सब यही सोचते हैं बेटा चल यही सिखाया गया अपने घर में कि बेटा लड़ लो झड़ लो जो भी सब यही रहना है सबको यही है। पर ज्यादातर टॉर्चर यही थी जिठानी की वजह से जो कान वान काटा गया था। अब आप देखो ना जिठानी सबसे ऊपर थी, तो वो नीचे भी सकती थी ना, लेकिन बीच में प्रीति थी उसे दिक्कत होती थी जिठानी को कि ये रहती है फलाना है ढीका, ज्यादा का टॉर्चर यही लोग थे। और लड़की के ऊपर ज्यादा ही वो होता था कि बेटा नहीं ये पहली लड़की पैदा कर दी दूसरी। जिठानी के कितने? जिठानी के लड़का है, ये लड़का है जिठानी का, जिठानी पे लड़का है ना, एक लड़का एक लड़की है जिठानी पे। क्या देख उसने भी तो पैदा करा है लड़का, देख उसने भी तो लड़की पैदा करी, दो है ना, तू कैसे लड़की लड़की पैदा कर रही है, ये बात वो कहते थे ससुराल वाले ये। और ये आप भी अच्छी तरह जानते हो बेटी के ऊपर तो हर चीज है, हम तो इतना जानते हैं अगर बेटी इतनी बोझ है तो कल तुम कहाँ से आओगे, जब तक बेटी पैदा नहीं होगी तो बेटा कहाँ से कर लेगी वो। क्या कभी इनके परिवार के बारे में? देखो हमने कभी लड़ाई झगड़ा कभी नहीं देखा, और जिनकी बात कर रही है अरुण की, वो भी कहीं आता जाता था तो अपनी घरवाली को साथ लेके जाता था अपने बच्चे से। कभी अब ये कह रही है दो लड़कियां, दो लड़कियों के साथ भी हमने ऐसे नहीं देखा कि उनके साथ कभी गलत व्यवहार किया हो। और जो बड़ी वाली लड़की है वो तो अगर उसकी मम्मी अपनी नानी के घर वगैरह भी जाती थी तो बच्चे को यही रखते थे यही लोग, वो ये भी नहीं जिद करती थी कि छोटी बच्ची की, नहीं मैं अपनी मम्मी के साथ ही जाऊंगी मम्मी के पास ही रहूंगी। जितना हमने देखा उतना लड़ाई झगड़ा तो हमने कभी नहीं देखा। आपकी प्रीति से बात हुई? नहीं प्रीति से मेरी कभी बात नहीं। कभी घर पे गए हो मिले? और ऐसे भी नहीं देखा जैसे कि वो डरी सहमी रहती होगी, ऐसे भी नहीं देखा कभी की। ये थी हमारी ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट, इसमें आपने देखा कि हमने महिला यानी प्रीति के परिवार के मायके और ससुराल दोनों पक्षों की राय रखी है। प्रीति के परिवार का कहना है कि प्रीति ने सुसाइड नहीं किया, उसको फांसी लगाई है क्योंकि उसके पास बेटी बेटी थी। और उसके ससुराल पक्ष का कहना है कि आपसी पति पत्नी के बीच अक्सर झगड़ा होता रहता था और प्रीति ने खुद सुसाइड किया है। कल भी बीते दिन भी बताया जा रहा है कि इनके बीच झगड़ा हुआ था, उसी के दौरान उनके जो है नीचे वॉशरूम के लिए आए थे, उसी दौरान प्रीति ने फांसी लगाई है।